हाय ऑल, नमस्ते। वेलकम बैक टू गीताज टाइमलेस ब्यूटी। और आज की भी टिप है, वो है अपनी छोटी छोटी जो टिप्स होती है बालों के बारे में, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कई लोगों की रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादातर कई उसके कारण, बाल जैसे गिरने के कई कारण हैं, उसी तरह से रिसीडिंग हेयर लाइन के भी काफ़ी सारे कारण हैं। जिसका मतलब है कि बाल पीछे पीछे चले जाते हैं, हमारा जो माथा है वो बहुत ये बाल जो है पीछे चले जाते हैं, माथा बड़ा लगने लगता है और वक्त से पहले ही आपकी उम्र दिखाई देने लगती है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये करना है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि बहुत उनको कोम करके बहुत टाइटली पीछे जूड़ा बांधने की, या तो फिर पीछे बहुत ज़ोर से ऐसे रबर से एक पोनीटेल बांधने की आदत होती है, उसको आपको किसी भी तरह से अवॉइड करना है। एक दो बार आप करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे ही जितने आप टाइट उसको कोम कंघी करके उसको पीछे बांधते हो, आपके बाल पीछे पीछे जाते रहते हैं और वक्त से पहले उम्र भी नज़र आने लगती है। इन सबको आपको अवॉइड करना है। लूज़ हेयर रखने हैं हमेशा, और बालों को हमेशा लूज़ एक छोटा यहाँ पे इधर आप नेक में आप उसको एक जूड़ा करिए, या तो इधर एक पोनीटेल करिए, लेकिन इधर से बाल आपको बहुत बहुत लूज़ रखने हैं, जिससे कि बाल आपके झड़े ना और पीछे पीछे नहीं चले जाए। तो आज यहाँ पे हवा बहुत है इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये ज़रूर कीजिए। आपको बालों को लूज़ रखना है और उनकी केयर लेनी है, टाइट नहीं बांधना है। ये मैं वापस रिपीट करती हूँ, और क्योंकि आप एक टाइमलेस ब्यूटी हो, आपको आपका ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।